ये रहा क्या आलू की भुजिया और इससे भैया मूली। हम इस समय कुशीनगर से पडरौना से गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं। शानदार दुकान दिख गई राम प्रवेश मदेसिया जी की, गर्मा गर्म पकौड़ा स्टार। भाई साहब इन्होंने गजब का भैया दुकान लगाया। देखिए ये ब्रेड के पकौड़े हैं शानदार, ये खा के हमारे कैमरामैन बताएंगे। मैं तो ये लिया हूँ आलू की भुजिया, ये आलू की भुजिया है और ये देखिए पालक का पकौड़ा है और ये किस चीज़ की है? दाल के। जरा कुछ बताइए कब से आपने दुकान खोला है, जरा बताइए। एक साल हो गया। पकड़ के बताइए। हाँ, ये एक साल हो गया दुकान खोले हुए। रेट बता दीजिए एक एक चीज का। 10 का ब्रेड है। हाँ। झूरी 10 का है। हाँ। पालक 10 का है। हाँ। प्याज 10 का 4 है। हाँ। बड़ी है मूंग की दाल की। कितना कमा लेते हैं सामने लगाइए? ये 400-500 कमा लेते हैं। खर्चा चल जाता है। हाँ खर्चा चल जाता है। तो ये राम प्रवेश जी हैं, साल भर से दुकान लगाई है। इनका कहना है कि 500 रुपये आराम से कमा लेते हैं। आप सब कुछ देख सकते हैं, ब्रेड का पकौड़ा ये शानदार। अरमान खाएंगे और बताएंगे, बहुत ही शानदार ये पकौड़े हैं, 10 रुपये में हैं। और ये रही आलू की भुजिया, भैया ये मैं खाने वाला हूँ, ये चटनी तो बहुत गजब है। पहले जो भी खाना है उसको महसूस करिए, बहुत शानदार आलू की भुजिया। एक बार में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल दो बार में। छोटे छोटे आलू हैं और इसको बेसन में इन्होंने तल दिया है। इनके सीक्रेट मसाले हैं ना, मैं कहीं भी जाता हूँ पूछ लेता हूँ भैया डालते क्या, वो लोग बताते हैं, मेरा अपना मसाला है। ये रहा क्या आलू की भुजिया और इस पर भैया मूली, बहुत शानदार। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना लाजवाब इन्होंने बनाया है भुजिया। इसको ऐसे उठाइए, चटनी में मिलाइए और जो ऊपर से ये मसाले छिड़क रहे हैं गजब का है, और इसे खाइए। कौन सा चौराहा बताया आपने? अर्जुनहा चौराहा। ये अर्जुनहा चौराहा है, जब पडरौना से कुशीनगर की तरफ जाएंगे तो बीच में ये चौराहा पड़ता है। आइए, बहुत शानदार दुकान है, नंबर भी है, और ज़रूर खाइए। जरा दिखाइए किस तरह से प्याज के पकौड़े ये चल रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। तो जब आइए भाई साहब, एक मिनट आ जाइए, तो आइए भाई साहब से बात करते हैं, इनकी दुकान है। और ये जब पढ़ उड़ के आते हैं आराम से कोचिंग वोचिंग से, उसके बाद अपने पापा का हाथ बटाते हैं। पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। तो हाथ बटाते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जरा रेट बताओ भैया। ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए का एक है हमारे। हाँ। दुकान पे, और ये 10 रुपए का है, ये 10 रुपए का 4 है ये। हाँ। प्याज वाला पकौड़ी। हाँ। और ये सोया पालक भी 10 का 4 है, ये बड़ी है जो 10 रुपए का 10 बेचा। भीड़ लगती है तुम्हारी दुकान पे, है रेट तो आपने बता दिया। ये जादू कैसा है भाई, हमने खाया एकदम, मतलब मैं तो आलू भुजिया उठाया हूँ खाया हूँ, शानदार मजा आ गया भाई। हाँ बढ़िया बनाया जाता है तभी बिकता है। कितनी भीड़ होती है? शाम को आइए, बहुत भीड़ होती है। कितने बजे तुम आते हो? हम सुबह आ जाते हैं यहाँ पे 6 बजे, हमारी दुकान ओपन होती है 7 बजे। हाँ, 7 बजे हो जाती है। तो तुम पढ़ने जाते हो ना? हाँ पढ़ने जाते हैं। तो शाम को 6 बजे आते हो? हाँ शाम को 6 बजे आते हैं। आज तो पहले आ गए? हाँ आज जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल की। तो ये देखिए राम प्रवेश मदेसिया जी और उनके ये लड़के हैं, शानदार, ये यहाँ की सबसे फेमस दुकान है लोगों ने बताया। और अर्जुनहा चौराहे पर आइए, तो भाई मजेदार शानदार राम प्रवेश मदेसिया जी का पकौड़ा खाना मत भूलिए। और कैसा बनाते? बहुत अच्छे बनाते हैं। महंगा नहीं लेते हैं रेट? नहीं नहीं महंगा नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका नाम? हरिंदर यादव। हरिंदर यादव। हरिंदर यादव और जुनाहा चौराहा। भाई साहब को देखिए, मतलब गजब का लग रहा है। पहले क्या करते थे भाई साहब? पहले नमकीन बेचते थे। अब लोगों को मतलब चटकारा वाला पकौड़ा खिला रहे हैं। तो हमने ये शानदार आलू भुजिया खाई, ये ब्रेड के पकौड़े और ये शानदार, आप देख सकते हैं। जब भी आइए भैया एक बार और खा लें आलू भुजिया खाना, और जुनाहा चौराहा पे ना भूलिए, और राम प्रवेश मदेसिया जी का, वाह मजा आ गया। आइए अर्जुनहा चौराहा, पडरौना से जब आप कुशीनगर जाएंगे, कुशीनगर से पडरौना जाएंगे, बीच में दुकान पड़ती है। ये जो कुछ दिखा पा रहा हूँ ओसामा के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ, कैमरा ओसामा संभालना है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।